इन करारी क्रंची पेटीज को देखकर तो मुंह में इस कदर पानी आता है कि दूसरों की नजरों से छुपाना मुश्किल हो जाता है। और खाने के बाद तो बस यही लगता है कि वाह, इसे बनाने वाले के तो हाथ ही चूम लिए जाए। बर्थडे पार्टीज की शान और छोटे मोटे इवेंट्स को सस्ते में निपटाने वाले इन पफ एंड पेटीज का क्या कहना भाई, मेरा तो ये सबसे फेवरेट स्नैक है। इन पेटीज की इतनी परतों को देखकर अगर आप ये सोचते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता होगा और इतनी पतली पतली परतें कैसे बनाई जाती होंगी, चलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि पफ एंड पेटीज आखिरकार फैक्ट्रीज में कैसे बनाई जाती हैं। तो आइए मेरे साथ और हम चलते हैं इस फैक्ट्री में और जहां पर पफ एंड पेटीज बनाई जाती है। फैक्ट्री में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी मशीन है। ये मशीन आटे को गूंदने का काम करती है। इसमें एक मेटल का ब्लेड लगा हुआ है। ये बिल्कुल भी धारदार नहीं है, ये केवल आटे को गोल गोल घुमाने के लिए लगा हुआ है यहाँ पर। अब इस मशीन के नीचे यहाँ पर इसके ब्लेड हैं। वहाँ इन लोगों ने आटे से भरा हुआ ये बड़ा सा बर्तन जिसमें नमक मिला हुआ है, इसमें ये लोग पानी को मिलाकर मशीन में लगा देते हैं, जिससे अब ये मशीन के ब्लेड बर्तन में मौजूद आटे को गोल गोल घुमाकर गूंदने लग जाते हैं। ये काफी देर तक आटे को यूं ही गूंथते रहते हैं। कुछ देर के बाद देखने पर यहाँ तो पूरी तरीके से लग रहा है कि ये तो गूंथ चुका है, पर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे और सॉफ्ट करने के लिए ये लोग इसे अभी और गूंथते हैं। अब देखिए, कुछ देर बाद एक आदमी जो बड़ा ही एक्सपर्ट होता है, जिसको छूकर मालूम चल जाता है कि ये सही है या फिर नहीं, तो वो छूकर आटे को चेक करके देखता है। मेरे ख्याल से आटा अब गूंथ चुका है, भाई साहब ने बता दिया, ठीक है। इसीलिए ये लोग इस गूंथे हुए आटे को एक डेस्क की ओर ले जाते हैं। अब ये एक बड़ी सी टेबल के आकार का एक डेस्क होता है, जहां पर एक चौड़ा सा पत्थर लगा हुआ है। यहां पर कुछ लोग इस पत्थर पर सूखे आटे को थोड़ा छिड़क रहे होते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये इस आटे को बेलने की तैयारी कर रहे हैं, और इनके पास एक बड़ा सा बेलन है। इस बेलन से इस आटे को यहाँ लोग बेलना शुरू करते हैं। बहुत बड़े आकार में और बहुत ताकत लगाकर ये लोग इस आटे को बेल रहे हैं। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, कितना मुश्किल काम है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। अब बेलने के बाद ये लोग इस पर घी लगा रहे हैं। सिर्फ लगा नहीं रहे, भर भर कर लगा रहे हैं, जी हाँ। और घी की एक परत को लगा देने के बाद अब इन लोगों ने बेले हुए आटे की परत को फोल्ड करना शुरू कर दिया है। ये इसे करीब 5 से 6 बार फोल्ड करते हैं, और जिससे इसमें कई सारे परतें बन जाती हैं। अब इन परतों वाले डो को इन लोगों ने इसके दोनों सतह पर सूखे आटे को लगाकर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सभी परतों के सेटल होने और कुछ समय तक रखे होने से परतें और डो और भी ज्यादा सॉफ्ट और नरम और खाने में और भी ज्यादा टेस्टी बन जाता है। और दोस्तों, इसी टेस्ट के लिए तो हम सब इन पेटीज को खाते हैं, है ना। अब क्या होता है कि ये लोग लगातार इसी तरह से कई परतों वाले इस आटे के डो को तैयार करते हैं और उसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। ये इन्हें दोबारा से वापस फिर से बेल रहा है और इसे बेल बेल कर बिल्कुल पतली शीट के रूप में तैयार कर देता है। अब इस पत्थर पर लकड़ी की एक स्केल के आकार की पटरी से तेज धारदार इस छुरी की मदद से इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है। स्क्वायर के आकार में कई सारे स्क्वायर बन जाने पर ये इस फिलिंग मसाले को भरने से पहले एक स्प्रे गन से पानी को स्प्रे करते हैं। अब चलिए चलते हैं फैक्ट्री के दूसरे एरिया में, जहां पर इन डो में भरने के लिए फिलिंग मसाले को तैयार किया जा रहा है। ये वही मशीन है जो आटे को गूंथती है, पर अब ये मशीन आलू को पीसने का काम करेगी। इन लोगों ने आलू के साथ में कुछ मसालों का मिश्रण भी इसमें डाल दिया है, तभी तो बढ़िया टेस्टी बनेगा। और ये मसाले बहुत ही सीक्रेट होते हैं, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता और बेकर्स खुद बताते भी नहीं है। पर कॉमन मसालों में देखा जाए तो हल्दी, नमक, मिर्च, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, यही सब मसाले होते हैं जो लगभग सभी बेकर्स इस्तेमाल करते हैं अपने सीक्रेट वाले के साथ में। खैर, मशीन में अच्छी तरह से मसालों के मिक्स हो जाने के बाद और आलू के पीस जाने के बाद अब फिलिंग मसाला देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर पहले से तैयार डो में इन मसालों को बराबर बराबर मात्रा में भरकर डो को फोल्ड किया जाता है। अब इन फोल्ड किए हुए डो को एक ट्रे में अच्छे से रख दिया जाता है, और जब कई सारी ट्रे तैयार हो जाती हैं, तो इन ट्रे को एक ट्रॉली में एक एक करके लगाया जाता है। ये ट्रॉली एक बड़े आकार की ट्रॉली होती है, जिसमें कई सारे खाने बने होते हैं। हर खाने में ट्रे को रखकर कई सारी ट्रे को एक साथ ओवन मशीन में अंदर डाल दिया जाता है। अब ओवन मशीन में ट्रॉली को रख दिया जाता है और करीब 20 से 30 मिनट के लिए ओवन में टेम्परेचर सेट करके छोड़ दिया जाता है। लगभग 30 मिनटों के बाद जब ओवन से ट्रॉली को बाहर निकाला जाता है, तो उसमें से ये सुनहरे रंग के क्रिस्पी नाजुक परतों वाली ये पेटीज बेहतरीन बाहर निकलती है।
पर। ये लजीज क्रंची पेटीज आप तक बिल्कुल सही सलामत बिना टूटे फूटे पहुंचे, इसके लिए इनकी पैकिंग का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये हवा के लगने से इनका जो क्रंची टेस्ट है ना वो खराब हो जाएगा। बनने के तुरंत बाद इसकी पैकिंग बेहद जरूरी होती है, जिसके लिए इसे पैकिंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें जहां जहां से पेटीज के लिए ऑर्डर आता है उन सब जगहों पर उन्हें पहुंचाने के लिए एक गत्ते के बॉक्स में रखकर उन जगहों पर पहुंचा दिया जाता है। अब ये पेटीज किसी की बर्थडे पार्टी को खुशहाल बनाएंगी तो किसी दोस्तों के ग्रुप में लगने वाले गप्पों को थोड़ा और बढ़ाएंगी। वैसे दोस्तों पेटीज के साथ अगर शाम की चाय में रस्क टोस्ट बिस्कुट का साथ मिल जाए तो आए है फिर क्या ही कहना। आप सब में से कितने लोगों ने इसे बचपन में चुरा चुरा कर सूखे में ही चबाया होगा, है ना? मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस रस्क टोस्ट का मजा बगैर चाय कॉफी के कुछ क्रंची खाने के जुगाड़ में जरूर उठाया होगा। तो चलिए अभी आज मैं आपको ले चलता हूँ उस फैक्ट्री की ओर जहाँ पर ये रस्क टोस्ट बिस्किट बनाए जाते हैं। इस फैक्ट्री में सबसे पहले शुरुआत होती है इसके रॉ मटेरियल मैदे, नमक और ईस्ट से। मैदे, नमक और ईस्ट को मिक्स करने के लिए एक बड़ी सी मिक्सिंग मशीन में इसे डाल दिया जाता है। यहाँ पर ये मशीन इसको मिक्स करती है और इसके साथ ही साथ इसमें पानी को भी डाल दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने डो तैयार करते हुए देखा, क्योंकि ये मशीन मिक्स करने के साथ ही साथ डो को बनाने के लिए आटे को गूंदने का काम भी करती है। लगभग 30 मिनट तक इस मशीन में ये मिश्रण गूंदा जाता है और 30 मिनट के बाद इस मशीन से सना हुआ जो आटा है वो निकाल लिया जाता है और फिर इसे सॉफ्ट करने के लिए एक और मशीन में डाल दिया जाता है। इसके बाद इसे एक मोल्डिंग मशीन में डाल दिया जाता है जहां पर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर इसे डो के आकार में काट लिया जाता है। अब इन्हें एक सांचे में रखकर एक बड़े से ओवन में लगा दिया जाता है। इस बड़े और विशाल आकार के ओवन में इसे लगभग 20 मिनट तक बेक किया जाता है। अच्छे से बेक हो जाने के बाद अब इन ट्रेस को बाहर निकाल लिया जाता है और अब ये दिखने में बिल्कुल हमारे रस्क टोस्ट की तरह तैयार दिख रहे हैं। लेकिन 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 अभी जो इनका आकार है ना वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी ये एक रस्क हमारे पास आने वाले 15 से 20 रस्कों का एक बंडल जैसा दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इसकी कटिंग नहीं की गई है, बस इस बड़े से रस्क टोस्ट बिस्कुट को अभी कटिंग के लिए स्लाइसर मशीन की ओर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर ये मशीन इस बड़े से आकार के रस को कई सारी छोटी छोटी स्लाइसेस में काट देती है। अब ये बिल्कुल हमारे घर में पाए जाने वाले रस्क टोस्ट बिस्कुट की तरह दिखाई दे रहा है ना? अब इन रस को पैकिंग एरिया में भेज दिया जाता है जहां पर इनकी पैकिंग की जाती है। पैकिंग करने से पहले रस को टेस्ट करके एक बेकर ये पुष्टि करता है, वही जो एक्सपर्ट आदमी होता है वो बताता है कि रस्क भैया बिल्कुल सही हो चुका है, मस्त वाला, अब इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये पैकिंग मशीन जिसमें पहले से एक प्रिंटेड पॉली पैकिंग रोल लगा हुआ है, ये पॉली शीट्स को इस मशीन की मदद से रस्क को ऑटोमेटेड रूप से पैक कर रही है। पैकिंग मशीन से निकलने के बाद अब ये रस्क हम सबके घरों में पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों आपको ये फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।